जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, मैंने इस ड्राइंग की पहले ही सारी वीडियोस बना दी हैं, जिसमें प्रोफाइल, ग्रूविंग, थ्रेडिंग सब हो गया है। अब इस वीडियो में सिर्फ सेकंड सेटअप हम बनाएंगे। सेकंड सेटअप कंप्लीट होने के बाद में यह पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, और इसकी सारी डायमेंशंस मैं आपको दिखा दूंगा। ड्राइंग वाली वीडियो देख के आप इस ड्राइंग के बारे में क्लियर कर सकते हैं पूरा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जो पहले बनाई है इस पार्ट की। इस पार्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट मैंने अलग अलग पार्ट में किया है। सेकंड सेटअप में हमको क्या करना है? सेकंड सेटअप में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो 25 mm वाला डाया है 15 mm की लेंथ तक, ये मेंटेन करके बनाना है, जिस पे डेटम ए शो कर रखा है। ठीक है, ये डेटम ए वाला डाया हम मेंटेन करके बनाएंगे। इसमें पहले मैं सारे प्रोग्राम चलाऊंगा और उसके बाद में प्रोग्राम डिटेल मैंने बता रखी है वीडियो के एंड में। ओके, यहाँ से आप टूल देख सकते हैं, टूल वहीं मैंने सेम सेलेक्ट कर रखे हैं, 1, 2 और 5 नंबर में ग्रूविंग, 8 नंबर में थ्रेडिंग। ठीक है, अब प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको शुरू से चलाता हूँ, अगर आपको नहीं देखना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं कंप्लीट प्रोग्राम चलाऊँगा स्टार्टिंग से, और फिर आपको पूरी डायमेंशन दिखाऊँगा जैसे ड्राइंग में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 1 प्रोफाइल के लिए, G73 से जो मैंने बनाया है। फाइल कंप्लीट, अब करते हैं ग्रूविंग। अब थ्रेडिंग, ये इसका फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट साइड में सारा काम हो गया है। अब इसका सेकंड सेटअप में आप थ्रेड पे पकड़ने की बजाय इसकी जो 20 mm वाली ओडी है वहाँ से जो में क्लैंप करेंगे, और थ्रेड पे पकड़ने से इसमें थ्रेड में डेंट आ जाएंगे और थ्रेड ख़राब हो जाएगी। तो थ्रेड पे पकड़ने की बजाय हम 20 mm वाली ओडी पे पकड़ेंगे, लेकिन ये सिमुलेशन है जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर तो ये थ्रेड ही क्लैंप करेगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड सेटअप स्टार्ट करेंगे। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये सेकंड सेटअप। आपको इसकी 20 mm की ओडी पकड़ के बनाना होगा। ठीक है, और सेकंड सेटअप में प्रोग्राम करते हैं स्टार्ट, प्रोग्राम नंबर 4। ये प्रोग्राम एक ही ब्लॉक में बन जाएगा, पूरा एक ही प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम बन जाएंगे, आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट सेटअप कम्प्लीट हो गया एक प्रोग्राम। अब सेकेंड सेटअप में जो सेटअप करके 20 mm डाया पकड़ा, और थ्रेड वाला जो डाया, जो फॉर्मेशन इस तरह से करना होगी कि थ्रेड वाला डाया एयर में रहे, वो क्लैंप ना हो। ठीक है, अब सेकंड साइड में पहले 10 mm फेसिंग होगी और टर्निंग 25 mm की ओडी बन जाएगी। सेकंड साइड स्टार्ट करते हैं। इसमें U0 और W0 आपको डालना, G71 और 72 में UW साथ में डालने होते हैं फिनिशिंग अलाउंस के लिए। मैंने इसमें फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये बनाया है। अब आप इसका प्रॉपर जो फॉर्मेट देखना है आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब वर्नियर से चेक करते हैं क्या हमारा जॉब ठीक बना है या नहीं, एक्चुअल में जो ड्राइंग है वहीं बना है या अलग बना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जॉब कम्प्लीटली बन गया है। अब सारी डायमेंशंस आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ से ये जो है 16 mm, ठीक है, यहाँ से 4 mm,
यहाँ से 4 mm ग्रूविंग, 20 mm, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 mm, 20 mm लेंथ में मांगी है। टेपर फिर 10 mm, 50 हो गया। उसके बाद 15 mm ये रेडियस वाला, 65, और उसके बाद कंप्लीट जॉब की जो टोटल लेंथ है वो है 80। आप देख सकते हैं 80 mm टोटल लेंथ हमारी बन गई है इस पार्ट की, ठीक है। लेंथ हो गई कंप्लीट। डाई की बात करें, सबसे बड़ा डाई 25 मांगा है, 25, ठीक है। उससे बाद में यहाँ पे ये 15 है, ये वाला डाया 20 है जो आप सेकंड सेटअप में क्लैंप करेंगे। ग्रूव डाया 12 है, और उसके बाद थ्रेडिंग डाया 16 है, ठीक है। तो जो जॉब में हमें दिखा रखा था, जो ड्राइंग में दिखा रखा था, वही जॉब बन गया है। इसका सिमुलेशन भी मैंने ड्राइंग में ऑलरेडी दिखा दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इस जॉब को फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे। फर्स्ट सेटअप में कंप्लीट वन साइड बना दिया हमने, थ्रेडिंग, ग्रूविंग और प्रोफाइल सब कंप्लीट कर दिया। इसका सेकंड सेटअप बच रहा है। सेकंड सेटअप में सबसे पहले हम इसकी फेसिंग करेंगे। फेसिंग के लिए इस सिमुलेशन में यहाँ पे ही G54 डाल के और माइनस करना होता है, क्योंकि 90 mm लेंथ है जॉब की, ब्लैंक की 90 mm है, तो 10 mm हमको लेस करना होगा। जॉब लेंथ वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पे इसको यहीं पे डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें अलग से ऑफसेट तो है नहीं, तो यहीं पे शो करना होता है कि जेड में -10 जाना है G54, ठीक है। और मशीन में वहाँ पे वर्क ऑफसेट में हम माइनस कर सकते हैं, या फिर सिंगल टूल को माइनस करके आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जेड -10, G50S 1500, स्पिंडल RPM दे दिए 21 mm में रीड करने के लिए वैल्यूज़ को, और G40 होता है कंपनसेशन कैंसिल के लिए होम पोजीशन। उसके बाद टूल नंबर 1 1, कटिंग स्पीड M03 से रोटेशन किया है क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद G0X में 31, क्योंकि 30 mm का डाया हमारा ब्लैंक का है ही, 31 पे हम पोजीशन करेंगे ताकि टूल टकराए नहीं, 1 mm ऊपर रहेगा। जेड 10 mm पीछे से चलाएंगे, क्योंकि 10 mm मटेरियल मिला है। ये पोजीशन आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, यहाँ पे जो ये पोजीशन दे रखी है इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे जेड 0 कर देंगे तो टूल टकरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेड में -10 हमने ऑफसेट कर रखा है। उसके बाद G72 WR W होता है जेड में डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, 2 mm का डेप्थ ऑफ कट होगा, R होगा रिट्रिक्शन। फिर उसके बाद P4 Q5, पी ये सिक्वेंस नंबर के लिए होते हैं, और F होती है फीड, फीड को आप कम कर सकते हैं। मैंने इसमें पैरामीटर एक्स्ट्रा इसीलिए डाल रखे हैं ताकि टाइम कम लगे, लेकिन मैं कम कर देता हूँ। आप मशीन में करें तो कम पैरामीटर में ही चलाएँ, ठीक है। N4 उसमें क्या, Z00 इसको रीड करके मशीन 0 पे जाएगी, और उसके बाद N5 X0 फेसिंग करते हुए टूल नीचे आ जाएगा। रैपिड में एक्स में 30, जेड 50, यहाँ एक्स 30 की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट जेड में 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जेड 50 और होम पोजीशन पे चला जाएगा। इसके बाद दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप M05 M09 लगा के और M01 लगा के रोक सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रोक रखा है, क्योंकि इस सिमुलेशन में स्टार्ट करने के लिए अलग बटन पे क्लिक करना होता है, इसलिए मैंने रोका नहीं है। कंटिन्यू हो जाएगी OD, ठीक है। बात करें OD की, स्टार्टिंग में सेम हेडर सेम है, RPM हो गए, एक्स में 30 पर पोजीशन करवाया, जेड में 1 पे, ठीक है। 1 mm आगे आके टूल खड़ा हो जाएगा, और यू ये एक्स में डेप्थ ऑफ कट होती है, आर होता है रिट्रिक्शन, वहीं सेम सिक्वेंस नंबर 600 700, फीड पॉइंट 3 की दिए। सबसे पहले 600 में N600 में सिक्वेंस नंबर में हम एक्स में 25 पे, हमको 25 OD चाहिए, फाइनल जो प्रोफाइल है वो डालते हैं इसमें G72 में।
ठीक है, G01Z-16 15 mm हमको जाना है, अगर रेडियस ही है तो 16 कर सकते हैं, कहीं टूल नहीं टकराएगा, 15 mm ही प्रोफाइल बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, N700 G0X26 1 mm ऊपर उठ जाएगा, Z50 G28 U0W0 M05 M09 M30 स्पिंडल स्टॉप कूलेंट ऑफ प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया फेसिंग और टर्निंग का। सेकंड साइड में G71 और G72 इनके प्रोग्राम मैंने पहले भी बना दिया, अगर इस वीडियो में आपको ढंग से समझ ना आया हो तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी दो तीन वीडियो बना रखे हैं 71 और 72 के, वहाँ से आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस जो ये जॉब है इसका पूरा डेवलपमेंट करने के लिए 4 प्रोग्राम बनाए हैं अलग अलग, इसमें प्रोफाइल, इसमें ग्रूविंग, इसमें थ्रेड 3 नंबर में और 4 नंबर में इसका सेकेंड सेटअप। ठीक है, जॉब की जो डिटेल है वो आपको दिखा देता हूँ, वर्क पीस की लेंथ 90, डाया 30, क्लैंप लेंथ